Welcome learners to my channel. Dear learners, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज एक्सप्लेन द डिफरेंट पार्ट ऑफ ए पासवर्ड फाइल. जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो पासवर्ड फाइल, तो इसके स्पेलिंग जो है वो यही रहेंगे PASSWD, राइट. सो जो पासवर्ड है, पासवर्ड फाइल में कुछ एंट्रीज होती हैं. जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर एंट्रीज गिवन है, दैट इज मुरली, देन X1025. तो ये सारी हमारी जो है वो पासवर्ड की एंट्री. अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है. जैसे कि आप देख रहे हो कि फर्स्ट जो वर्ड है दैट इज मुरली. डियर लर्नर्स, मैं आपको बताना चाहूंगी ये क्वेश्चन मैंने आपकी ही पीडीएफ से लिया है, जो BCA 52 जिसका कोड है और सेम नेम वहाँ पे मुरली यूज है. मैंने भी मुरली लिया है, आप कोई भी नेम जो है वो यहाँ पे लिख सकते हो, राइट. तो जो मुरली है वो क्या है, वो एक यूजर का नेम है. इट इज़ यूज्ड व्हेन यूजर लॉग इन. ये नेम उस टाइम पे यूज होता है जब यूजर लॉग इन करता है. सपोज मुरली है, उसने लॉग इन किया, बट ये जो नेम है उसकी कुछ लेंथ है, तो वो क्या होगी, इट शुड बी बिटवीन 1 and 32 करेक्टर्स इन लेंथ. तो मुरली में आप देखो कितने जो है वो करेक्टर्स हैं, ठीक है. आप कितने मैक्सिमम ले सकते हो, आप ले सकते हो 1 to 32, राइट. जैसे कि आप देख रहे हो, तो ये जो 1 है 1, ये किसको इंडिकेट करता है, मुरली को इंडिकेट करता है, राइट. नेक्स्ट इज नंबर 2. नंबर 2 पे जो है वो हमारा पासवर्ड है, उसके लिए जो करेक्टर यूज हुआ है क्या यूज हुआ है, एक्स. सो एन एक्स करेक्टर इंडिकेट दैट एनक्रिप्टेड पासवर्ड इज स्टोर्ड इन ETC शेडो फाइल. जो पासवर्ड होगा आपका वो कहाँ पे स्टोर होगा, वो शेडो फाइल में स्टोर होगा. तो जो एक्स है वो क्या इंडिकेट करता है, दैट एनक्रिप्टेड पासवर्ड इज स्टोर्ड इन ETC शेडो फाइल. नेक्स्ट जो आता है नंबर 3 पे, दैट इज 1025. यहाँ पे हम यूजर आईडी देंगे, यूजर आइडेंटिफिकेशन. ईच यूजर मस्ट बी साइंड ए यूजर आईडी, ठीक है. तो हर यूजर को एक यूजर आईडी मिलेगी. अगर यहाँ पे वैल्यू 0 होती तो इट मीन्स किसकी बात हो रही है, रूट की बात हो रही है. सो UID 0 इज रिजर्व फॉर रूट. और अगर यहाँ पे 1 to 99 के बीच में कोई नंबर होता तो वो सारे रिजर्व होते किसके लिए, फॉर प्री डिफाइंड अकाउंट्स के लिए. फर्दर UID अगर 100 to 999 के बीच में होता तो ये किस लिए था, फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, राइट. यहाँ पे जो है वो क्या यूजर आईडी गिवन है, दैट इज 1025. सो ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो हैं वो इसको यूज करते हैं. जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर गिवन है सिस्टम अकाउंट /ग्रुप्स, राइट. तो हर स्लाइड में आप देखोगे मैंने ये सारा जो है वो एंट्री लिखी हुई है, सो दैट आपको इससे हेल्प मिल सके. नेक्स्ट इज ग्रुप आईडी. ग्रुप आईडी के लिए हम यूज करेंगे GID. यहाँ पे जो 1024 है ये किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, ग्रुप आईडी के लिए. सो द प्राइमरी ग्रुप आईडी दैट इज EX1024. सो जो ग्रुप आईडी है वो कहाँ पे स्टोर होगी, वो भी /ग्रुप फाइल में क्या होगी, स्टोर होगी. नेक्स्ट इज यूजर आईडी इन्फो. अब यूजर की इंफॉर्मेशन हमने स्टोर करनी है,
उसका फुल नेम, उसका फोन नंबर अगर हमने स्टोर करवाना है तो वो हम कहाँ पे स्टोर कराएंगे? सो जो नेक्स्ट गिवन है नंबर 5 पे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर है ए मुरली एम राव, तो ये यूजर की इंफॉर्मेशन है. सो दिस इज ए कमेंट फील्ड, इट अलाउज यू टू एड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स सच एज यूजर फाइल नेम, फोन नंबर एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज नंबर 6, दैट इज होम डायरेक्टरी. ये जो नंबर 6 है यूजर USR1 मुरली, ये किसके लिए है? होम डायरेक्टरी के लिए. तो यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट पाथ यूज किया हुआ है. आप देखो स्लैश गिवन है, स्लैश USR1 स्लैश मुरली. सो द एब्सोल्यूट पाथ टू द डायरेक्टरी, द यूजर विल बी, जिस डायरेक्टरी में यूजर लॉग इन होगा वो होम डायरेक्टरी होगी. If this directory does not exist, then user directory becomes. So automatically user की directory बन जाएगी. ठीक है, जो भी user का name होगा वहाँ पे user का name आ जाएगा. Next and last one is, that is command shell. The absolute path of a command or shell is given as slash bin slash bash. So ये जो पूरी entry है इससे हमें पता चलता है कि नंबर 1 पे हमने क्या गिवन है, यूजर का नेम दिया हुआ है, एक्स जो है वो पासवर्ड के लिए यूज किया हुआ है. ठीक है, देन उसके बाद 1025 जो है वो हमने यूज किया है फॉर यूजर आईडी के लिए. फिर उसके बाद ग्रुप आईडी आती है, ग्रुप आईडी के बाद यूजर आईडी की इंफॉर्मेशन आती है, यूजर की इंफॉर्मेशन आती है. देन उसके बाद होम डायरेक्टरी बताई हुई है, देन कमांड शेल. तो ये कुछ एंट्रीज हैं. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो. ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग.